इंडिया में मॉडिफाइड बाइक का और कार्स का एक अलग ही क्रेज है. एंड मैं आपके सामने ऑलरेडी काफ़ी बाइक्स और कार्स जो है उसके बारे में आपको बात कर चुकी हूँ मॉडिफाई का. और लोगों को ना कुछ नया हमेशा चाहिए होता है कि कुछ न्यूनेस हो या उनके हिसाब से कस्टमाइज हो. काइंड अभी इंडिया में उतना ज़्यादा लोग इतने अवेयर नहीं है, बट जो अवेयर है वो इतने अल्टीमेट तरीके से जो है बाइक्स को रीन्यू करवाते हैं या फिर उसको मॉडिफाई करवाते हैं अपनी मर्ज़ी से कलर कॉम्बिनेशन, और वो बहुत ही अमेजिंग निकल कर आता है. और ये फ़ायदे की बात हो जाती है, आप अपनी मर्ज़ी से एक बाइक को अपनी इच्छा से जो है उसे चेंज करवा रहे हैं. अब बात कर लेते हैं थोड़े बहुत नुकसान की, जो है कि जब आप कुछ चेंज करवाते हैं या बनी हुई बाइक के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो कुछ ड्रॉबैक भी साथ में आते हैं, लाइक आपको उस हिसाब का कंफर्ट या उस हिसाब का जो सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता है. जब स्टाइल की बात आती है, डिज़ाइन की बात आती है या फिर आपको एक अटेंशन मिल रहा होता है, तो इंडिया का यूथ बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता. दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक न्यू चैलेंजेस. उसी चैलेंज के साथ में मैं लेकर आई हूँ एक न्यू बाइक. और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में. और बात कर लेते हैं जल्दी इस बाइक का. एक्चुअली नाम अभी तक नहीं रखा, जस्ट अभी इसके नाम को हम लोग जो हमने डिस्कस करके रखा है, इट इज़ लाइक अ ब्लू बर्ड. क्योंकि आप देख सकते हैं ये इतनी अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन है ना, कि मैट फिनिश के साथ में आपको मिल रहा है. ब्लैक का और ब्लू का जो कलर है वो बहुत ही हटके. और ट्रस्ट मी, जब हम इसको चला रहे थे तो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे, नॉट मी, फॉर दिस बाइक. तो वो बहुत ही अमेजिंग लग रही थी. तो सोने पे सुहागा है इसका डिज़ाइन और ऊपर से कलर कॉम्बिनेशन इतना अमेजिंग, जिसने भी रखा है इट वॉज सो सो गुड. एंड अगर आप इसको पर्सनली देखेंगे ना, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है. तो ये बहुत ही अच्छा इसका लुक रखा गया, फिनिशिंग इज़ अमेजिंग. और ये जो काम किया है ये वर्क एक्सट्रीम कस्टम्स ने किया है. एंड इनका पहले भी मैं एक वीडियो आपको दिखा चुकी हूँ मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा आई लिंक पे, जो कि मयूरा बाइक, उसकी जो डिज़ाइन, उसमें जो काम किया गया है, जो फिनिशिंग दी गई है, जो पेंट वर्क है, सो सो गुड, मतलब कमेंडेबल जॉब. तो जल्दी से बिना देरी के इसका वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या खास है इस बाइक में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेडलैम्प से, जो फ्रंट लुक है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ, इसका जो कंफर्ट है चलाने का बहुत ही अमेजिंग है. ये जो कॉम्बिनेशन है आपको बॉबर का और क्रूज़र का, या फिर आप कह सकते हैं कि स्क्रैम का जो है कॉम्बिनेशन मिलके बनता है. एंड एक तरह से हाइब्रिड इसका लुक है, बहुत ही अच्छा रखा गया है. आई वॉज थिंकिंग फर्स्ट कि शायद उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी चलाने में, क्योंकि मोस्टली कस्टम बाइक्स ना वो डिज़ाइन में बहुत अच्छी होती है बट कम्फर्टेबल उतनी नहीं होती. बट इट वॉज सो सो कम्फर्टेबल, लाइट वेट, बहुत अच्छा इसका मतलब मनूवर करने में इट वॉज नॉट एट ऑल प्रॉब्लमेटिक. आराम से जो है सिटी में मनूवर हो रही थी, या जितना भी मैंने जो राइड किया इसको उस टाइम पर इजीली मूव हो रही थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई. और आप तो मेरी हालत आप देख सकते हैं, उस अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी अच्छी है. एंड उसके बाद में अब बात कर लेते हैं इसके लुक्स की. तो फ्रंट लुक जो है वो आपको इस टाइप का मिलेगा. इसके अंदर आपको जो हेडलैम्प्स हैं उसमें भी कुछ इन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया है. यहाँ पे ब्लैक कलर का जो फिनिशिंग दी गई है, एंड सबसे खूबसूरत चीज़ इसके अंदर है कि मैट फिनिशिंग दी गई है, इट इज़ नॉट ग्लॉसी. ग्लॉसी अगर ये कलर होता तो उतना अमेजिंग नहीं लगता. यहाँ पे आपको जो येलो कलर का ये जो टिंट दिया है, ये येलो कलर का टिंट इसको और भी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. आपको लगेगा कि ये डिफरेंट कलर है तो पता नहीं उस पर जा रहा है, बट ये बहुत अच्छा लग रहा है. मैं इसको एक बार चला के भी आपको दिखा देती हूँ. लाइट्स जो है आप देख सकते हैं, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग. तो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, ये डिफरेंट कलर होने की वजह से ज़्यादा हटके दिखाई दे रहा है इस टाइम. तो मैं इसको बंद कर देती हूँ ताकि इसकी बैटरी ड्रेन ना हो जाए. अब नीचे आते हैं सस्पेंशन पे. तो सस्पेंशन में आपको बेलो मिल जाते हैं फॉर सपोर्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये आपको जो है थोड़ा सा क्रूज़र वाला भी फील है, उसके बाद में आपको जो है स्क्रैम वाला भी फील दे रही है. तो थोड़ा सा ये इसका सपोर्ट के लिए दिया है ताकि ख़राब ना हो. यहाँ पे मल्टी स्पोक आपको जो है सस्पेंशन मिल जाते हैं. नीचे अगर आए तो यहाँ पे आपको मल्टी स्पोक व्हील मिल जाते हैं, तो ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप ऑफ रोडिंग वाली सिचुएशन में भी जाएँ तो सपोर्टिव रहे. बहुत ज़्यादा उस टाइम पर सपोर्ट देते हैं. यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं. मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ क्या क्या चीज़ें चेंज है. 18 इंचज़ का टायर फ्रंट में प्रोफाइल है, 11090 18 की है. तो जो प्रोफाइल आप देख सकते हो, जो टायर दिए वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिए कि आप बेकार रोड्स पे चलाएं या ख़राब रोड्स पे चलाएं तो वो सपोर्टिव रहे. तो यहाँ पे फ्रंट में आपको इस टाइप का मिलता है. सबसे पहली बात तो मैंने इंपॉर्टेंट बात तो आपसे करी नहीं, ये जो बाइक है ये जिस बेस पे बनी हुई है, जो इसका एक्चुअली DNA है, दैट इज़ जो है रॉयल एनफील्ड की 500cc की जो बाइक आती थी क्लासिक, उस पर ये बेस्ड है. और चेसी एकदम सेम है, इंजन एकदम सेम है,
लेकिन इसके अंदर काफ़ी जो मेजर चेंज किए गए हैं, और भी ऐसा नहीं है कि बाकी चेसी में चेंज नहीं किया गया, कुछ एक चीज़ें ऐड ऑन करी गई है, जैसे कि सस्पेंशन जो है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है, प्लस इसके अंदर आप देखेंगे तो स्विंग आर्म है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, वो भी हम आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस इसके अंदर। तो आगे बढ़े तो इस टाइप का इसका साइड लुक आ जाता है। अब इसके अंदर जो सस्पेंशन है वो भी थोड़े से टिल्ट कर दिए गए, ट्विक करा है इसमें अंदर भी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे स्विंग आर्म है उसमें एक्सटेंड किया है, ताकि साइज जो है पूरा इसका जो लुक है उसको ये कॉम्प्लीमेंट कर सके और ज़्यादा कंफर्टेबल बना सके चलाने में। तो इस टाइप का इसका रियर लुक आ जाएगा। यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर मिल जाएंगे, छोटी सी यहाँ पे नंबर प्लेट मिल जाती है आपको, ये बहुत ही अमेजिंग लग रही है मुझे। फिनिशिंग आप देख सकते हैं बहुत ध्यान रखा गया है, और एक मॉडिफाइड जो बाइक होती हैं या मॉडिफाइड कार्स होती है उसकी सबसे ज़्यादा खूबी होती है कि वो फिनिश्ड कितनी है, मतलब पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, मतलब आपको देख के इसको पता नहीं चलेगा। अभी भी छोटी एक दो चीज़ें इसमें अभी कंप्लीट होनी बाकी है, अभी भी इस कंडीशन में भी आप देख सकते हैं कि अमेजिंग काम किया है इन्होंने, और बहुत बहुत माइन्यूट चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखा गया है। साइड से अगर आप देखें तो इंजन की लोकेशन आपको वो तो सेम ही है, आपको आप ऑलरेडी जानते हैं इस बाइक के बारे में, लेकिन अगर डिज़ाइन में बात करें तो यहाँ पे टायर दिया था इसके अंदर 15 इंचेस है, और जो प्रोफाइल आप देख सकते हैं इट्स वेरी विड्थ जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिल्टर है, एयर फिल्टर है, वो भी उस पर भी कितनी अच्छी डिटेलिंग की गई है ब्लू कलर की, शाइनी ब्लू कलर की, तो काफ़ी हटके लग रही है। तो ये सारा काम इसके अंदर किया गया है। अब आ जाते हैं कंफर्ट वाली जो फिनिशिंग की गई है उस पर। तो अब स्टार्ट करते हैं कंफर्ट और फिनिशिंग पे। तो कंफर्ट जो है यहाँ पे, पहले तो आप पैड्स देखिए, एंड इस पर जो डिटेलिंग दी गई है आप देख सकते हैं, इट्स कुशन वाला डिज़ाइन, और उसके ऊपर जो ब्लू कलर का स्टिचिंग करी गई है, कितना माइनर चीज़ों का ध्यान रखा गया है यहाँ पर टू लुक अमेजिंग, टू लुक डिफरेंट, एंड साथ ही साथ वो ऐसी ना लगे कि रैंडम किसी से भी बनवा लिया है, इट इज़ लुकिंग लाइक किसी अच्छी जगह से, मतलब किसी बहुत ही कहते हैं ना ट्रेंड हाथों से ये बनी है, तो वो दिख रहा है इसके अंदर। और यहाँ पे जो पूरा पेंट वर्क है, प्लस जो कि जिस तरीके से इस पे काम किया गया है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। अब आते हैं सेटिंग पे। एक बाइक के अंदर ना सेटिंग बहुत ज़रूरी है, आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, शॉर्ट राइड पे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कंफर्टेबल कितनी है, लॉन्ग राइड पे आपको कंफर्ट दे रही है या नहीं है। तो सिटिंग इतनी कुशन वाली है, ब्रॉड है, हर साइज़ के, चाहे आप हेल्दी हैं चाहे आप थिन हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आने वाली है। इट इज़ सो सो कंफर्टेबल, साइज़ बहुत अच्छे से रखा गया, एंड इट्स वेरी कुशन, और इस पर भी वही स्टिचिंग का काम दिया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी डिटेल्स का ध्यान रखा गया है। अगर मैं फ्रंट में आऊँ तो जो हैंडल बार है इट्स ऑल्सो वेरी वेरी सपोर्टिव, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है चलाने में। जैसे कई बार ऐसा होता है कि चॉपर स्टाइल होता है, थोड़ा सा उसे मनूवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है सिटी के अंदर, इसमें वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने इसको ऐसा नहीं है कि फ्लैट रोड पे चलाया और थोड़ा ऑफ रोड भी किया, इट इज़ नॉट ऑफ रोड, लेकिन इंडिया में ना आपको ऑफ रोडिंग की जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बारिश के मौसम में निकल जाइए, हर रोड आपको जो है ऑफ रोडिंग वाली मिल जाएगी। तो ऑफ रोडिंग में आप देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मोस्टली डर रहता है कि कहीं सस्पेंशन में उतना ज़्यादा, क्योंकि आपने ट्विक करवाया है तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, बट इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से चला सकते हैं, बारिश वाली रोड्स पर भी, ख़राब रोड्स पर भी आप कॉन्फिडेंटली इसको चला सकते हैं। तो ये है हमारी ब्लू बर्ड। तो आई होप मैंने इसके अंदर मेजर जो आपको चेंजेस हैं, जो फीचर्स हैं, जो क्या इसके अंदर नयापन आया है वो आपको बताया है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसका प्राइस आपको जानना है तो नीचे ना आपको वर्क एक्सट्रीम कस्टम का नंबर मिल जाएगा, तो नीचे ना आपको ऋषि जी के नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसका प्राइस जानना है, कितना इसमें खर्चा लगा, या क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है आपको पता करनी है, या आपको ये सेम बनवानी है, इस टाइप की बनवानी है, आप इनके वर्कशॉप पर जाके ये बाइक देख भी सकते हैं, और इनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।